Hi friends, how are you? Welcome to Bank Pro. Myself Preeti Singh, your educator of GN Current Affairs. एक बार आप मुझे कंफर्म कर दो मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ या नहीं, क्योंकि कुछ एरर आ रहा था जिस वजह से मैं आप लोग को लाइव नहीं दिख रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी राइट नाउ. अभी सब ठीक है या नहीं मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. मैं सभी को ऑडिबल एंड विजिबल हूँ. ओके, आई नो दैट कि लेट के कारण आप सभी बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए होंगे और नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्यों नहीं स्टार्ट हुआ सेशन. तो कुछ टेक्निकल एरर था गाइस, मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी, बट राइट नाउ इट इज़ ओके. सो आप लोग जो भी फ्रेंड्स आपके गए हैं उनको एक बार वापस से बोल दो कि सेशन को ज्वाइन कर लें, और उनको एक बार जल्दी से बता दो, तब तक के मैं स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है. जो भी बच्चे अभी तक मुझे अनअकैडमी प्लस पर फॉलो नहीं कर पाए हैं, फॉलो करिएगा. डेफिनेटली आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा. ओके, देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ अपनी क्लासेस की, तो 7:30 AM पर प्लस क्लास होती है, 6:30 PM पर प्लस क्लास होती है. आज हम यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग को स्टार्ट करेंगे. कल का जो टॉपिक था NPCI के प्रोडक्ट्स थे जो कि हम लोग कर चुके हैं, और 7:30 AM पर रेगुलर बेसिस क्लासेस हो रही हैं. संडे को आप लोगों से पूछ करके क्लास रखी जाएगी, जो भी सुटेबल टाइम होगा. स्पेशल में हम लोग संडे में न्यूज़ और MCQs करेंगे, और 7:30 AM की आज की क्लास, जिसकी भी मिस हुई लोग रिकॉर्डेड ज़रूर देख लेना. ये वाली क्लास आज नहीं है. जो 12:30 वाली आप लोग की क्लास होती है गाइस, आज नहीं, क्योंकि आज मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना है. तो एक्चुअली मुझे कोविड हुआ था, दैट्स वे मैं पहले करवा नहीं सकती थी, मैं वैक्सीनेशन पहले नहीं ले सकती थी. आज फाइनली स्लॉट बुक हो गया है, तो ये वाली जो 12:30 की मैंने क्लास रखी थी ये आज कैंसिल है. हम डायरेक्टली 6:30 PM पर मिलेंगे और उसके बाद 9 PM पर मिलेंगे. ठीक है, यूट्यूब सेशन जो है इसमें मैं कुछ चेंजेस करवा रही हूँ. अभी जैसे ही चेंजेस कन्फर्म हो जाएंगे मैं आपको टाइम भी कन्फर्म कर दूँगी. ठीक है, ये बैचेस हैं, इन बैचेस के लिए खुद को इनरोल कर लीजिए. जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग इसको इसके लिए इनरोल कर लीजिए. एंड यहाँ पर जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई है 6:30 PM के स्टार्ट हुई है. कंप्लीट बैंकिंग कोर्स है, पार्ट फोर्थ आया है. इसके पहले भी हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं. 7 जुलाई से एग्जैक्टली बैच स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आपको अलग अलग बैचेस में मेरी क्लासेस मिल रही हैं. तो ये कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस के लिए है. बिल्कुल आपको क्या करना है, इनरोल करना है, सारे बैचेस के लिए इनरोल कर लेना है. सेशन को लाइक ज़रूर कर देना और बैंक प्रो को सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है, किसी को भी कमबैट देना. अच्छा, एक और बात बतानी थी आप लोग को, ये वाला जो फीचर है अब ये स्पेशल क्लास में भी ऐड हो गया है कल से. तो आप लोग मेरे से अपनी क्वेरी या किसी भी एजुकेटर से अपनी क्वेरी इन दी लाइव सेशन ही आप पूछ सकते हो रेज हैंड के ऑप्शन के थ्रू. ठीक है, ये आपके ऑप्शन, ये आपके स्टेप्स है कि कैसे आप रेज हैंड को यूज़ कर सकते हो. किसी को भी कम्बैट देना है तो कम्बैट के लिए इनरोलमेंट ज़रूरी है, और इनरोलमेंट के लिए आपको एक इनवाइट कोड चाहिए. इनवाइट कोड आप नोट कर लीजिए, स्टडी लाइव. फॉर दी प्लस सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए भी आप स्टडी लाइव को यूज़ करेंगे. कोई भी क्वेरी, कन्फ्यूजन या डाउट होगा तो आप मुझे बैंकिंग विद प्रीति सिंह, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा. यहाँ से आपको रिवर्ट मिल जाएगा, यहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगा. ठीक है, और दूसरा ये फ़ी स्ट्रक्चर है, देख लीजिए. जिसको भी फ़ी सबमिट करके सब्सक्रिप्शन लेना है, फ़ी डेफिनेटली पता होनी चाहिए. तो सारी चीज़ें क्लियर है, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट. आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइम लेंडिंग रेट की. प्राइम लेंडिंग रेट, प्राइम है ना, आप आजकल प्राइम वीडियोस बहुत देखने लगे हैं, है ना, अमेजोन प्राइम वीडियोस बहुत देखने लगे हैं. प्राइम का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, वॉट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्राइम, बताइए. प्राइम क्या मतलब हो सकता है इसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आते रहने चाहिए. दो लोग रहो तो भी एक्टिव रहो, एक लोग रहो तो भी एक्टिव रहो, जो रहो एटलीस्ट वो एक्टिव रहो. एक्टिव रह करके ही आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा. काजल कैसे हो बेटा, काजल विश्वकर्मा और काजल परेटा दो बच्चे हैं काजल नाम के. अर्चिता गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा. तो प्राइम का मतलब क्या है कोई बता सकता है, नहीं बता सकता बोलो, नहीं आता ये तो बोलो, कम से कम बोलो तो सही. लगे तो कि जाग रहे हो, जाग करके पढ़ाई कर रहे हो, सो नहीं रहे हो. प्राइम का मतलब कोई बता सकता है या बोल दो, नहीं पता मैम, नहीं बता सकते हैं. इतना तो बोलिए तो मुझे लगे कि आप लोग जाग रहे हैं, आप लोग वाकई पढ़ रहे हैं, पढ़ने की मूड से क्लास में हैं, सो नहीं रहे हैं, है ना. तो एग्जैक्टली अगर हम प्राइम की बात करें, प्राइम, प्राइम का सेंस कहीं ना कहीं आपको प्राइमरी, प्राथमिकता,
ऐसा कुछ सेंस हल्का सा मतलब नहीं आ रहा, ऐसा कुछ साउंड नहीं आ रहा है। प्राइमरी प्राइमरी है ना, प्राथमिकता, राइट। मतलब ये वो पर्टिकुलर रेट है, प्राइम रेट, ये वो पर्टिकुलर रेट है, पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर कमर्शियल बैंक्स, जो इसके मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स होते हैं, उनको लेंडिंग के टाइम पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। बात को समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर खड़े हैं अदानी साहब, ठीक है, ये अदानी जी हैं, और मान लेते हैं ये हैं रोमन, है ना। हेलो रोमन, हाउ आर यू, ये हैं रोमन। अब दोनों लोग गए हैं लोन लेने के लिए, इनको चाहिए था अपने किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए लोन, और इनको चाहिए था पर्सनल लोन क्योंकि उनको कुछ अपने पर्सनल खर्चे निकालने हैं। ये हैं बीच में थोड़े से हेल्दी से, है ना, ब्रांच मैनेजर साहब, ब्रांच मैनेजर साहब, ठीक है। अब ये ब्रांच मैनेजर साहब के पास में एग्जैक्टली क्या हुआ, ये दोनों की रिक्वेस्ट पहुंची। अब बताओ प्रियोरिटी किसको मिलेगी गाइस, अदानी साहब को मिलेगी कि रोमन को मिलेगी, किसको मिलेगी प्रियोरिटी, किसको मिलेगी? प्रणाम प्रभात, खुश रहो। किसको मिलेगी प्रियोरिटी, रोमन को मिलेगी या अदानी को मिलेगी? बट ऑबियस है कि रोमन अभी जस्ट गए, हो सकता है ये SBI बैंक के, हो सकता है इनका इसमें अकाउंट हो सकता है इनका इसमें अकाउंट हो, तो इनको मिल जाए लोन। लेकिन अदानी साहब के तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, पूरा प्राइवेटाइजेशन में अदानी और अंबानी ही छाए हुए हैं, ऐसे में इनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस होगी वो कहीं अच्छी होगी रोमन से, कहीं अच्छी होगी किसी नॉर्मल पीपल से, है ना। तो अब ये बताओ, दो लोग सामने चेयर पर बैठे होंगे, ब्रांच मैनेजर होगा इधर देखेगा कि इधर देखेगा, बट ऑब्वियस है कि वो अदानी की तरफ देखेगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए, देखो लोन में मैटर क्या करता है, कभी भी आप लोन लेने जाओगे सबसे पहले आप क्या पूछते हो, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मेरी मंथली EMI क्या बनेगी। तो अब देखो यहाँ पर बैंक जो प्रियोरिटी देगा वो बट ऑबियस है कि किसी कॉरपोरेट को देगा, बट ऑबियस है कि किसी क्रेडिट वर्दी अपने कस्टमर को देगा। कैसे, उसको पता है कि आप लोगे 5 लाख रुपए मैक्सिमम, और ये लेंगे तो 100 करोड़ से नीचे की बात ही नहीं करेंगे। अब सोचो 5 लाख पर बैंक ने अगर 5% लगाया तो कितना हुआ, और अगर 100 करोड़ पर वो 5% लगाएगा तो कितना होगा, सोच करके देखना। अब EMI तो मंथली आप दोगे ना, तो मंथली दोनों से बैंक को कितना बेनिफिट मिलेगा, इनसे ज़्यादा मिलेगा और आपसे उसके कंपैरिजन में बहुत कम मिलेगा। तो बैंक इस केस में क्या सोचेगा कि यहाँ पर हमें ज़्यादा अगर कमाना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा और हाई करना पड़ेगा, बट यहाँ अगर हमें ये कस्टमर चाहिए, ये कस्टमर हमारी बैंक में बना रहे ताकि ये हमसे ऐसे ही अच्छे अच्छे लोन लेता रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगा, लेस करेगा, लेस करेगा, है ना, क्योंकि इस कस्टमर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो भी अच्छी है, साथ ही साथ में इसका लोन अमाउंट भी कहीं अच्छा है जो कि ये बैंक से लेगा, और बैंक का बिजनेस जो होता है, बैंक की जो असेट होते हैं वो उसका लोन ही होते हैं, ठीक है। तो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो पार्शियलिटी एक तरीके से होती है, या जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेंडिंग करते हैं वही कहलाता है प्राइम लेंडिंग रेट। क्या कहलाता है, प्राइम लेंडिंग रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक्स अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को लेंडिंग करते हैं वही कहलाता है प्राइम लेंडिंग रेट, और जनरली ये बैंक का इंटरनल प्रोसेस होता है, बैंक का इंटरनल प्रोसेस होता है, मतलब एक पैरामीटर है जो कि उसको RBI से या बेसिकली मैबोर्ड से मिला हुआ है, लेकिन स्टिल बैंक भी अपने कुछ राइट्स रखता है, उन राइट्स को यूज़ करके वो इंटरनली प्रोसेस करता है प्राइम लेंडिंग रेट को, और उसी रेट पर वो अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है जिससे वो कस्टमर उसका बना रहे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ प्राइम लेंडिंग रेट इन इंडिया नाउ अडेज, अगर ये बात की जाए तो अगर लॉन्ग टर्म
अगर हम बात करें तो इंडिया का जो प्राइम लेंडिंग रेट है उसको प्रोजेक्टेड अनुमान लगाया गया, प्रोजेक्टेड किया गया है कि ये 9.30 इन प्रेजेंट 2022 में और 10.05% हो सकता है 2023 में अकॉर्डिंग टू दी इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। ओके, तो ये था आज का कंसेप्ट जो कि प्राइम लेंडिंग रेट को आपको डिफाइन करता है। मेरे ख्याल से सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी, डाउट, कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, बैंक प्रो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी एक बात मत भूलिएगा कि मैं प्लस और स्पेशल से हट करके यहाँ पर आपको जो टॉपिक प्रोवाइड कर रही हूँ, ये टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन ये आपकी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके बेस को मजबूत करते हैं। तो ऐसे सेशंस को ऑलवेज कोई भी एजुकेटर आपको प्रोवाइड करता है ऐसे सेशंस, तो इनको डेफिनेटली आप अपने को इसमें बेसिकली इन सारे सेशंस को आप यूटिलाइज ज़रूर करिए और डेफिनेटली आप इन सेशंस को अटेंड ज़रूर किया करिए। नहीं देख पाए हो किसी वजह से लाइव, वैसे लाइव देखो तो इससे अच्छा कुछ है नहीं, क्योंकि लाइव हम जितना इंटरेक्ट हो पाते हैं उतना कभी भी रिकॉर्डेड में इंटरेक्ट नहीं हो पाते, यही सबसे बड़ा सच है ना। आपने नोट, मैंने क्या कहा था कि सेशन स्टार्ट होने के बाद मुश्किल से 15-20 मिनट ही हम लोग लेंगे और आपने देखा कि टाइम ज़्यादा नहीं गया, बट एक अच्छी सी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब आप प्राइम लेंडिंग रेट से अनअवेयर नहीं हो, आप जानते हो कि वॉट इज़ प्राइम लेंडिंग रेट, वॉट इज़ दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस लेंडिंग रेट, राइट। तो हम अब मिलेंगे 6:30 PM पर, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर। भूलना नहीं, किसी को भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो स्टडी लाइव को यूज़ करिएगा फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी क्वेरी, कन्फ्यूजन या डाउट होता है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ढूंढ लीजिएगा, बैंकिंग विद प्रीति सिंह, बैंकिंग विद प्रीति सिंह, और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्लास की PDF, क्लास की लिंक, सब कुछ मिलता है और सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है। मिलते हैं 6:30 PM विद डिजिटल बैंकिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।